ये देखिए यहाँ पे नज़ारा, यात्रा भी आई नहीं है। तो ये जो यात्रियों हैं ये पहले ही आ गए थे, कुछ अभी दर्शन करके आ गए हैं वापस, और कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इतनी लाइन नहीं है, कुछ ही देर के बाद ये लाइन जो है वो बर्फ़ दिख रही है आपको, वहाँ तक लगेगी ये लाइन, बिल्कुल लगेगी। तो अभी लाइन बिल्कुल कम है। तो ये जो हमारी देवियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ये दर्शन कर चुके हैं और कुछ अभी करने के लिए जा रहे हैं। तो माता के भवन में हम पहुंच गए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जयकारा चोट माता दा, जयकारा पाड़ा वाली दा। ये जी देखो जी, हम भवन के पास पहुंच गए, अभी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका पूरा आपको नजारा दिखाएंगे। जितना भी है तुम्हारे साथी भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, कुछ अभी पीछे, अभी हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम पूरा इधर का आपको नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अभी बादल देख सकते हो आप पीछे, ये बादल आ रहे हैं, बस ये 3-4 घंटे तक ऐसे रहे, और धूप थोड़ी सी खिल जाए। जितने यात्रु यहाँ पे आए हुए कहीं बाहर से, वो भी यहाँ का नजारा देखें, शियादार का, और आनंद लें। फील कैसा हो रहा? फील आपको क्या बताएं, अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मन में जो उदासी थी तो अभी खत्म नहीं हुई जब तक दर्शन नहीं करेंगे। ये फूल किस लिए रखा? ये माता रानी के लिए लाया हमने, बड़ी नजदीक से, तो अभी चढ़ाएंगे, दूर से हम भूल गए थे लाना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप इनको पूछो, ये लेडीज हैं पीछे, कुछ ज्यादा दूर से आई है। लेडीज को क्या, लेडीज नहीं, माता ही कहना है हमारी, इनको पूछा जाए पीछे हमारे। और जिनेंद्र जी बोलिए, आप कुछ? मैं क्या बोलूं, बोलना चाहोगे कुछ? कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया, आनंद ले रहे हो मजे से? बिल्कुल बिल्कुल, इस साल मौसम बहुत बढ़िया है। बढ़िया रहा ना? बढ़िया, बारिश वारिश का तो नहीं है कुछ? नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। जय माता दी, जय जगह माता जगह लंगर, इस साल इधर भी लंगर। हाँ बिल्कुल, लंगर लगा हर जगह जगह। ये देखिए यहाँ से आए हैं दर्शक। जय माता दी, जय माता दी। देखिए लाइन लगी, बहुत बड़ी लाइन लगी। ओगर बोल रही हमारी। जय माता, और सर हमारे सर ने पीछे नाच नाच के तबाही कर दी पूरी रात। कौन सर ने? एक्सपर्ट है, बचपन से ही नहीं ना वहाँ पे, हमने इनको देखा, काम में थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़ा काम में बिजी था। भजन पे बहुत नाचा, अभी इधर नाचेंगे भाई साहब। इधर भी चलेगा? हाँ इधर चले। कहाँ से हैं सर आप? दानान से। ये दानान वाले भाई साहब अभी इधर हमारे साथ भी नाचेंगे। कोई नहीं कोई नहीं, यात्रा भी आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये श्रद्धालु हैं, छड़िया भी पीछे है, छड़िया भी पीछे ही आ रही है इन घोड़ों के उस तरफ से। तो यहाँ पे व्यू देखिए आप कितना जबरदस्त है, और यहाँ पे लोग जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पे जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने दर्शन वगैरह कर लिए, और ये जुगाड़ के फ्राक में कि कहीं इधर से दर्शन हो जाए जल्दी से। तो अभी तो उतनी है नहीं, और लोग यहाँ पे देखिए पत्थर पे बैठे हुए हैं लोग जितने भी हैं, तो अभी उतना रश है नहीं। अभी जो यात्रा है वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेगी, अभी पहुँची नहीं, कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँच जाएगी। और ये पार की पहाड़ियाँ देख सकते हो आप, यहाँ से जाते हैं पवन के शिरा बोला जाता है आगे, वहाँ के लिए ये रास्ता है, और यहाँ पे नीचे ये पूरा देसा का एरिया आ जाता है। झंडे वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, और कुछ अभी यह जो पहाड़ आप देख रहे हो यहाँ पे बर्फ भी है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से अगर नीचे हम और थोड़ा सा जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा बर्फ है। तो ये जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, देखने का नज़ारा है यहाँ पे। तो लोग सेल्फियाँ सुल्फियाँ भी उठा रहे हैं, हमारे जो BTC वाले मेम्बर भी हैं, तो वो भी अपना यहाँ पर पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो जो और देखा पहाड़ियाँ देख सकते हो आप यहाँ नीचे, कितनी ज़बरदस्त हैं, देखने का नज़ारा है। और दर्शन कोई मंदिर के ही नहीं है यहाँ पे, जहाँ देखोगे वहाँ दर्शन ही दर्शन है। आप पहाड़ों पे देखोगे, वार पार देखोगे, दर्शन आपको चारों तरफ दिखेंगे। ये नहीं है कि मंदिर में आपको माता की मूर्ति है वही दर्शन, वो तो है ही है, उसके साथ साथ जितनी चारों तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दर्शन ही दर्शन है, और माता के वही लोगों को दर्शन मिलते हैं यहाँ पे। लोगों किसी को नीचे कुछ प्रकट हो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, और अंदर तो है ही है दर्शन, वो तो साक्षात माता है वहाँ पे। ये देखिए जी हमारे भाई साहब अभी इधर भवन के पास पहुंचे हैं, और सीधे उन्होंने भाभी को, सबसे पहले भाभी को दर्शन करवा रहे हैं इधर अपनी।
अपनी मिसिस जी को, हमारी भाभी है इनकी तो मिसिस है वो, थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो जाती है, गलती कभी कभी। देखिए पहाड़ कितने ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, और आज हम पहाड़ों के ऊपर, ये किसे बादलों के ऊपर आ गए, ये देखिए बादल जा रहे हैं हमारे साथ यहाँ। क्या बोल रहे हो? आगे नहीं जाना चाहता। ना ना आगे कहाँ, आगे मेरा कैमरा ही आता। हाँ जी भाई साहब जी, मैं ये पहुँच गए आप इधर, क्या फीलिंग है आपकी फिर भवन में पहुँच गया? देखो जी यहाँ पे अभी हमने दर्शन किए, यहाँ पे चंडीदास धार में, तो दर्शन बड़े अच्छे से हमारे हो गए यहाँ पे। अभी तो बड़ी भीड़ हुई है यहाँ पे मंदिर में, आप देख सकते हैं, हमारे भाई साहब आपको दिखाएंगे कैमरे साइड। अभी भीड़ काफी दिख रही है, अभी ज्यादा और दूर तक पहुंच जाएगी, तो ऐसे रश बढ़ता जाएगा। अभी कम से कम यहाँ पे 2-3 घंटे अंकल कंटिन्यू यहाँ पे रश रहेगा बहुत ज्यादा, तो दर्शन हमारे बड़े अच्छे से हो गए हैं, अच्छे से हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे बड़ा ठंड लग रहा है, ठंडी मौसम हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि आग जला के कहीं लकड़ियों को जमा करें और आग जलाई जाए, चलते हैं भाई आग जलाने, आपको गर्म किया जाए। सर जी, सर कैसा फीलिंग हो रही है? सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लगा, दर्शन किया हमें, काफी एक्साइटमेंट थी नीचे से आते वक्त, तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है। जय माता दी दोस्तों, अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लाइन बढ़ती जा रही है, और जो हमारे ये क्लास वाले बंदे हैं बड़े ढीले बंदे, रात को इन्होंने बड़ी पेंटे वेंटे खराब की हमको, जहाँ पे धर्मशाला में हम रहे थे ऐसे चल रहे थे जैसे जहाज में ऊपर से फटकारियाँ मार रहे थे, नहीं नीचे देख के चलो, ये तो ये बंदा है वो बंदा, नीचे देखना ही नहीं, पेंटे सब खराब कर दी। अब इनको ये पेनल्टी के पेंटे वेंटे निकाल के इनको धोने के लिए क्लास हमने भेज दिया, नहीं इधर नहीं ठंड लगेगी हमें। ये देखिए जी हमारे बियंत भैया को पकड़ लिया इधर पुलिस वालों ने, खुद भी पुलिस में होते हुए इनको पुलिस वालों ने घेर दिया तीनों तरफ से, तीनों तरफ से इनको घेर दिया है यहाँ पे पुलिस वालों ने। ये भाई साहब थोड़े अलायदे, ये कुछ दूसरी पार्टी के हैं शायद, कि आपके पार्टी के हैं। देखो जी, नहीं देखो जी उस्ताद जी, मैं आपको उस बंदे के साथ मिला रहा हूं जो हमारे इंस्टाग्राम पे गाना है हमारा, कौन सा इधर देखो जी, वो कौन सा गारे वाली मार्चे, वो कुछ वो गाना है ना सर, भद्रोही गाना, आपको मैंने डाली रील एक, ये तंग बंदा कर रहे हैं, नहीं मैं दोनों उठाएंगे। जय माता दी दोस्तों, अभी देखिए यात्रा पहुंच गई यहाँ पे, दर्शन करने के लिए जाएंगे ऊपर मंदिर में, मंदिर मेरे साथ में यहाँ पे लाइन में लगेंगे, यात्रा जिंदी भी है, चेले वगैरह डोंस वगैरह झंडे नगाड़े ढोल डोंस ये सब बजा के आ रहे हैं, यात्रा जिंदे भी हैं, कुछ यात्रा पहले आ गए थे कुछ अभी आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। यात्रा भी मंदिर के पास पहुंच गई है ऊपर, ये देख सकते हो आप, जैसे यात्रा के पास पहुंच गए ये मंदिर, और यात्रा ये थनोट वाली है, सबसे पहले हमारी भाभी जी भी आ गए, और ठंड लगी इनको, मंदिर में जाएंगे, मेरे पीछे यात्रा आ गई है, और लोग जितने भी आ गए ये तो लाइन में पहले से लगे, अभी आ गए लाइन में लगे, देखिए यात्रा आ गई है। देखिए भगत जन जितने भी हैं श्रद्धालु यात्री, वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लाइन में, इनके पीछे पीछे छड़ी भी आ रही है, वो भी दर्शन करेगी।
बिल्कुल चोटी पे है, तो यहाँ पे जगह बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो सेवा देते हैं उन्होंने यहाँ पे थोड़ा डंडा वगैरह लगाया था। अभी बिल्कुल चोटी पे मंदिर बनाया हुआ है, तो आप देखते हैं यात्रा और इनके साथ अभी पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो ये लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी जनों जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे रामवे जी पूछ चुके हैं मंदिर के आगे दर्शन करने के लिए और वीडियोग्राफी कर रहे हूँ। ये देखिए जी हमारे विनीत जी थोड़े पोजों पे पोज दे रहे हैं, और ये हमारे भाई साहब पता नहीं कहाँ से आए, तो ये भी यहाँ पे पोजों पे पोज दे रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम डोडा से आए सर। ये डोडा से आए हैं भाई साहब, और ये भी डोडा से आए हैं शायद। ये जितनी है डोडा एंड कंपनी है, हम खुद डोडा के हैं बट डिस्ट्रिक्ट डोडा के नहीं है। तो यहाँ से देखिए भवन का कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। हम थोड़े भवन से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं क्योंकि हमारे मिस्टर विनीत ठेकेदार जी को थोड़े से फोटो उठाने थे। वो देखिए कैसे बैठा हुआ है नीचे किसी की याद में, और माता रानी की सोच ज्यादा याद आती है। ये देखिए क्या देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी खामोशी के बारे में? मुझे कुछ तो बोलो, अपनी खामोशी तो तोड़ो। मुझे वो किसी का गम रुला गया। चलो उसका फिर फोटो उठा दे। एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये देखिए लोग यहाँ पे ऊपर हैं, तो ये हमारे भाई साहब हैं कि यहाँ पे छुप के यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खा रहे हैं। ये देखिए सबसे छुप के वो सर, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी ढलान है यहाँ से नीचे, बहुत खतरनाक ढलान, जबरदस्त एकदम खतरनाक वाली ढलान है। तो शायरी बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हमारा लड़का है। शायर सुनो मैंने यार मेरे, नहीं शायर तो सुनेंगे, शायर अभी तैयार कर रहा लड़का हमारा, शायर नहीं मैंने खुद। और इसके एक दोस्त है, एक मेरा दोस्त है, हम कंबाइनी है मेरा लड़का लगता है, बट हम कंबाइनी दोस्त है। तो सुन रहे, तो कंबाइनी दोस्त है दोस्त जैसा, ये मेरा ये बेटा मेरी उम्र का, ये तो एक दो साल मेरे से बड़ा ही है। तो बात यूँ है कि ये शायर व शायरी अभी सीख रहा है, सीखने बात इसलिए सीख नहीं रहा, शायरी सीख नहीं जाती इसको, अगले साल शायरी सीख नहीं जाती। सुबह इस साल आ रही है राखी, तो बेटी की माँ ने बुलाया उसको, बेटे को बिल्कुल बुलाया, हाँ, राखी को राखी बांधने के। ये कैसा, ये कैसा इंसाफ है। हाँ, तो वहाँ पे जाके वो बोलेगी ना बच्चा तो और उसी के और ये वीडियो वायरल हो गई, आई ये वीडियो वायरल हो गई, कोचा उसके घर घर तक, कोचा आई जल्दी जल्दी उसे घर घर तक नीचे नीचे चलूंगा मैं, आप बोल दिए बोलो तू यार अंकल मैं जोड़ का सेकंड बड़ा अग्रसर, चल चल बोल ना मैं तेरी बना रहा हूं। ये बोलेंगे ना पीछे से मेरे को शायरी हो जाए यार, क्या करते हो आप? क्या ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोलना था, आप रिकॉर्ड करो, ये मुझे बोलेंगे कि मुझे पाइस, मैंने कुछ नहीं करना, चलो हां यार आप रिकॉर्ड करो उनको, कहो आ नहीं बोलो जी आप बोलो। तो विनीत जी मेरे आपसे एक ख्वाहिश है कि आप मुझे एक शायर सुनाओ जो आपने मुझे कल शाम को सुनाया था। अच्छा मतलब आप दोबारा सुनना चाहते हो? दोबारा से मैं सर मेरा दिल तो बहुत दुखी, मैं सुना देता हूं आपको। जी 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 सुनो सुनो सर जी। तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से, और मैं यहाँ किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, और वहाँ वो मिला रही है अपना लहंगा किसी शेरवानी से। हम लंगर में पहुंच गए, ये हमारे लंगर के भाई साहब है। कहाँ से, कौन सी जगह से आप लंगर लगा रहे हो सर? बगला से। ये बगला के भाई, बगला वो उधर वाला तो नहीं? नहीं यहाँ पे ये बगला। अब आप ना, ये बगला से भाई साहब कब से लगा रहे हो और कब तक लगाना है? 6 तारीख से चल रहा लंगर।
छह तारीख तक लंगर चलेगा यहाँ पे। छह तारीख कब से लगा रहे हो? दो तारीख से, मतलब जब से ये यात्राएं खत्म होंगी तब तक आपका लंगर चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये टॉप कमेटी की तरफ से लंगर लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो कितने बंदे हो आप इधर सर? चार बंदे हैं यहाँ पे। चार, चलो बहुत अच्छी जगह, और बहुत अच्छी जगह भी है यहाँ पे। ये सर यहाँ पे ये जो यात्रा चोण माता का मंदिर है जो टॉप में वो वाला लंगर है यहाँ पे, तो ये ट्रस्ट की तरफ से है, माता यात्रा ट्रस्ट, चोण माता यात्रा ट्रस्ट। तो जितने भी हैं तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा चाय वगैरह का कर देते हैं बंदोबस्त। ये देखिए जी चल पानी खा चुके हैं हमारे बंदे, ये देखिए सर। क्या करें फिर, चाय नहीं भी है क्या करें। दिल जोड़ना चैनल से मैं आपका देखिए स्वागत करता हूँ। ये क्या कर, और देखिए ये वादिया ये क्या, और एंजॉयमेंट पूरी है। देखिए प्रसाद खा रहे हैं और लंगर कमेटी के बंदे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नहीं मैं लंगर कमेटी का बंदा नहीं हूं, लंगर कमेटी के बंदे यहाँ पर पूरा मैनेज किया ये वाले बंदे। ये जी हमारी अठानी चुवानी पीछे रह गई है। तो जय माता दी दोस्तों, तो अभी हम भवन से निकल गए हैं नीचे। ये भवन का ऊपर नज़ारा बस थोड़ा सा ही हमने क्रॉस किया नीचे। छड़ी भी अभी निकलने वाली है, उनका ही वेट कर रहे हैं हम। तो हम जा रहे हैं भोजन करने। तो ये हमने यात्रा का काफ़ी आनंद आया, हमें बहुत मज़ा आया। अभी और थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो रात को नहीं दिखा पाए हम। तो ये वीडियो शायद दो पार्ट में हो, तो अगर पुरानी वीडियो हमने कहीं पहले पार्ट में डाली हो तो आप देख सकते हो पूरी वीडियो, अगर दो पार्ट में आई होगी तो पूरा नज़ारा दिखाएंगे। वीडियो उतनी ज़्यादा हम कट नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए हैं जो लोग यहाँ पे नहीं आए और कहीं बूढ़े हैं तो वो नहीं आ सकते इतना दूर, क्योंकि कोई 30-40 किलोमीटर चल के चलना पड़ता है, 3 दिन की यात्रा होती है, तो उस वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ सकते। तो उन लोगों के लिए हम सोचते हैं कि चलो वो जब जवान थे तो इन जगहों पर आते थे तो अपनी मेमोरीज ताज़ा कर दें। तो ये देखिए हमारे डुडू राम, ये नहीं माने जी हमें। इधर से नहीं नीचे सर, चलो माता की तरफ। ये देखिए अभी हम सुबह हमने चाय पी थी यहाँ पे लंगर में, अभी हम खाना खाएंगे यहाँ पे। चलते जाओ चलते जाओ। जय माता दी। और हमारे कुछ श्रद्धालु जो नंगे पैर भी आए हुए यहाँ पे, कुछ शक्ल दिखाएंगे आपकी, खाना खाते खाते दिखाएंगे आप। और ये देख रहे हैं हमारे जो यात्रों ये खाना खा रहे हैं, तो आपने ये दाल ली पनीर नहीं, पनीर से बनती नहीं आपकी? नहीं बनती है। तो आप कहाँ से आए भाई साहब, ये आपका भाई है? हाँ जी भाई है मेरा भाई। आप दोनों कहाँ से आए हो? हम जाल से। अच्छा ये अपने इलाके के बंदे हैं, जाल के बंदे, तो प्लस माइनस में हमारी कोई दो त्रिपोत्री है ये। तो क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, तो क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को आप, कैसी लगी आपको यात्रा? अच्छी लगी। कितने बार आए हो पैदल? मैं आज दूसरी बार आई हूँ। फिर आपको तो अच्छी लगी यात्रा, कैसी रही? अच्छी। चलो जय माता दी। और हमारे विनीत जी ने खाना ले लिया, क्या खाया? और सबसे बड़ी थाली देखोगे आप तो हमारे विनीत जी, सबसे पहले इसने पनीर खत्म किया। मैं अपना पनीर इसको दे रहा हूँ, ये लो दो पीस उठा दो यहाँ से, दो पीस उठा दो। हाँ ये खाने के थोड़े खरपे हैं हमारे, तो कमी पेशी होगी तो यहाँ पे इनको हम खिलाते रहते हैं। तो हमारे जो दूसरे हैं ये भी खरपे हैं, ये मेरे जैसे हैं, नॉर्मल एक पीस लिया, ये देखो ये दो पीस रहने वाले हैं। और इसने तोड़ लिया यमी। आपने मर्ची क्यों नहीं ली सर? खाता ही नहीं सर। दो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे लोग ये खाना खा रहे हैं, इनको थोड़ा सा पूछते हैं। और आंटी जी कहाँ से आए आप? कॉल आए तू भागवे था ना, प्रॉपर भागवे था कि जाला था कि कॉल आया था? तो ये देवियां भी आई हैं भागवत से? भागवत से और ये प्रॉपर भागवत से आई हैं? तो यहाँ में और मेरे कस्बा ये बंदा जम्मू से चल के आए हो कि गाड़ी में? चल के। ओ कितने दिन लगे? ये ग्वालों के साथ तो नहीं आए आप? तो और कैसी रही यात्रा सबकी? अच्छी अच्छी। आप सबकी जय माता दी। ये हमारे राजकिशोर जी हैं जी, तो क्या कहना चाहिए? हमारे यूथ क्लब जो है यहाँ का, यूथ क्लब है यात्रा को मेंटेनेंस जो है वो सब, ये भी उनके मेंबर है, तो आज बहुत ज़्यादा मेंबर हो गए हैं। ये भी जो स्टार्टिंग में मेंबर बने थे उनमें से एक है। तो ये हमारे गदर वाले फुल टावर वाले ही भाई जी चलाते ही बंदे, वो गाड़ी का वो बंदे जो दोनों टावर के पेड़ दिए इन्होंने उधर। जय माता दी सर। तो
जय माता दी दोस्तों, ये देखिए ये जी यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं मुश्कू। ये है हमारे यहाँ पे मुश्कू, इसको मुश्कू जाता है, इसको मुश्क के मतलब सिंह के, किसी किसी को ये सूट करता है और किसी को नहीं करता सूट, तो यहाँ पे कोई बेहोश भी हो सकता है। तो यहाँ पे पीछे देखिए हमने पूरा कवर करके माता के दरबार से वापस आ गए। ये हमारे दोनों भाई साहब भी हैं, भैंसे यहाँ पे चर जा रही है और घास भी तगड़ा है यहाँ पे। ये देख ग्वाल भी हैं, एक दो हैं, तो भैंसे इनकी चर रही हैं यहाँ पे, घास भी तगड़ा है। हो गई जी बैटरी, हो गई बैटरी, थोड़ा सा काम खराब हो गया है यहाँ पे। हम तो चलो अपने रास्ते से आए थे, ये यात्रु को थोड़ा सा इन्हें भटका दिया हमारे ये भाई साहब ने। ये भटके हुए याद आप देख सकते हैं जितने भी हैं, ये सब भटक गए। इनमें सियाने भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे नहीं दिख रहे। ओ इसको सब रास्ता मालूम है, तू तो को चला थे पहले तू क्या बात करता यार, ये चलता रहता इधर। जय माता दी दोस्तों, अभी देखिए यात्रा आ गई है ऊपर से, हम थोड़ा सा नीचे ये नहीं थोड़ा घूम तो नहीं गए थे, बट हमें नीचे से ही जाना था, बट वहाँ से रास्ता नहीं था तो थोड़े से भटक गए थे, तो यात्रा हमारे ऊपर से आ गई है। तो इंट से साइया माता बहने वगैरह जो भी देवी वगैरह हैं ये टपलो गए, और भाई बहन है मेरे पीछे वो टपलो गए, तो हमारी वजह से भी टपले हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती, उससे हम इनके लिए क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते कि थोड़ा इनको कष्ट करना इस वजह से पड़ा। ये देखिए जी कितना खतरनाक यहाँ से रास्ता है, आप जैसे देख पा रहे हैं नीचे बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता, इस रास्ते से हम गए नहीं थे, तो देना है पानी, इस रास्ते से हम सुबह गए नहीं थे। सर जी बोतल दे देना वापस, बस पानी 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 लिया, बस बोतल डाल देना इधर, पानी आप पूरा पियो, मेरे लिए दो कोट रखना। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ से, जैसे मैं सुबह यहाँ से नहीं गया था, हम यहाँ से नहीं गए थे, तो हम गए थे थोड़े शॉर्टकट रास्ते से, हमें जल्दी जाना था और मौसम कुछ ख़राब ही हो रहा था, तो इस वजह से हम निकल गए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लंबे वाले रास्ते, काफ़ी लंबा रास्ता है तो कठिन भी है, तो अभी इस रास्ते से जा रहे हैं। और सर देखो हम यहाँ पे अभी बर्फ हमें दिख रही है यहाँ पे, और जाना थोड़ी सी बर्फ निकालना। अरे ये देखिए बर्फ में पहुँच गए, तो बर्फ़ को आपको दिखाते हैं, इसकी तो खस्ता हालत हो गई है, मैंने आपको आगे वीडियो में बहुत अच्छी बर्फ़ दिखाई है, बट ये सख्त है काफ़ी, पानी इसको निकल रहा है, तो बर्फ़ बर्फ़ जैसी नहीं है ये। अभी यात्रा पीछे ही है थोड़ी, कुछ यात्रु जो आ गए हैं, अभी ढोल के पास जाते हैं हम, थोड़ा सा भांगड़ा पाते हैं। हमारे विनीत जी ने अभी ढोल पकड़ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं सिंपल या टेंपल, इसको कुछ नहीं आता है। ये देखिए जी जहाँ पे हमने रात काटी थी वो यही जगह थी, और अभी हम वापस दर्शन करके इसी जगह पे आ गए हैं। तो हमारे जो बजेंत्री हैं वो न्यू बजेंत्री द न्यू कमांडर्स, हमारे एक चीज़ है कि अच्छा बन जा रहे हैं, ये नहीं है कि न्यू नहीं लग रहे हैं, ये है कि कभी कभी बीच बीच में बजा दे, हम यहाँ पे रात को रहे थे तो यहीं से आज वापस ऊपर गए थे, आज यहीं के लिए वापस आ रहे हैं अभी। तो फाइनली हमें नीचे पहुँच गए हैं, यहाँ पे उड़बगिया में पहुँच गए हम, तो यहाँ पे अंधेरा नहीं है, ये थोड़ी सी धुंध आ गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ ही मिनट का पता नहीं चलता कब धूप आ जाए कब धुंध आ जाए, तो ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे नीचे धुंध ही धुंध हो गई है, तो लोग काफ़ी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी यात्रा भी आ गई है ऊपर से, जैसे आप देख सकते हो यात्रा डोल और निगाड़े बजा के यात्रा के साथ आ रहे हैं, कुछ यात्री भी पीछे से आ रहे हैं, कुछ तो पहले ही आ गए थे, ये मर्द औरतें वगैरह बच्चे बूढ़े वगैरह सब पहले ही आ गए थे, तो कुछ हमें मर्द वगैरह दिखे भी नहीं, तो अभी ऊपर से आ रही है यात्रा। मैं कोशिश करूँगा आपको मर्द दिखाने की। हाँ दिखाइए भाई। सर ये देखिए, अच्छा वो है ना, ये सुनाना शॉट है, और यात्रा भी पहुँच गई ऊपर से दरबार से, काफ़ी जल्दी पहुंच गई है, अभी लगभग सुबह के 12:30 बजे, तो यह यात्रा अभी पहुंच गई है, तो हम पहले ही आ गए थे, हमको एक डेढ़ घंटा पहले आ गए थे, तो यात्रा अभी पहुंच गई है यहाँ पे। सिर्फ मैच के सिर्फ एक ही कमी है कि बैट नहीं इनके पास, उसकी वजह से स्ट्रोक नहीं लग रहा है। बहुत ही दिक्कत आ रही है बैट्समैन को, बॉलर इधर बड़ी काफी आ गई है, यहाँ पे जो भी है बॉलर वो काफी आ गई है, और विकेट कवर खासा हालत है यहाँ पे। अभी मैच यहाँ पे खेला जा रहा है और बगिया में,
अभी नीचे आगे यात्रा और यहाँ पे फिर से चाय का आनंद ले रहे हैं। जय माता दी। चाय का आनंद बहुत मस्त आ रहा है, मजा ही मजा है बिल्कुल। चाय गो चाय बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं उसको चार्ज किसने कर रहा है, पकड़े हैं निकाल दूंगा। अब किसने नाच हम नाचे अभी उतराई लगी हुई है यहाँ पे, देखो दोस्तों कितनी उतराई लगी है नीचे के लिए। लोग सब कम कम दौड़ रहे हैं यहाँ पे, काफी मजे के साथ आराम दे रहे, क्योंकि अब नीचे एक और जो आनंद लेने वाली जगहें थी वो ये लास्ट है। इससे नीचे एक और आएगी, उससे नीचे कोई भी जगह ब्यूटीफुल वाली नहीं है। तो मेरे पीछे भी यात्रा आ रही नीचे के लिए दौड़ते माके के साथ, और हमारे जो स्कूटी वाले बंदे भी हैं वो भी साथ में। जो अब मैं किसे उतर गेमी और यात्रियों ने अभी दौड़ पकड़ ली है। जय माता दी। तो दोस्तों अभी हम बाड़ा में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे अभी डक्कू लगेगा थोड़ी देर, लास्ट डक्कू इस यात्रा का लास्ट डक्कू लगेगा। ये देखिए यहाँ पे लोग, अभी ये थोड़ा मौसम भी ख़राब है इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये जितना भी है। और ये देखिए हमारे चाचे चूठे आगे, तो ये डक्कू का लास्ट एरिया बाड़ा का है अभी, तो इसको दिखाया था हमने पहले भी आपको वीडियो में। तो ये लोग अभी यहाँ पे डेकू का सब आनंद लेंगे, जितने भी हैं सब डेकू का आनंद लेंगे यहाँ से। तो डेकू वालों ने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी जमीन थोड़ी सी उबड़ खबड़ है यहाँ पे। तो ये लास्ट डेकू है यात्रा का, तो सब आनंद लें। जय माता दी। तो ये लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसे मेरे चारों तरफ से लोग ही लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी डेकू का आनंद लेंगे, यात्रा भी रुकी हुई है। और ये है हमारे जोगिंदर जी, हेड ऑफ कमांड ऑफ पकौड़ा कमेटी, ये हमारे पकौड़ा कमेटी के हेड बंदे। कोई भी डकू नहीं लगे अब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बाद कोई डकू नहीं लगे, ये लास्ट डकू है, उसके बाद सीधी यात्रा मंदिर के पास जाके रुकेगी। ये हमारे बियंत भैया और ये हमारे फाइटर साहब है, बिल्कुल लंगर लगा के आए यार। हमसे बड़े ही हैं जी, राम राम ही नहीं बोलते हमें। हाँ हमसे बड़े बन गए, हमें भी चार बार इनको राम राम बोलना। यात्रा बस ये लास्ट है, इसके बाद कोई यात्रा। ये देखो जी क्या जमघट जा रहा है यात्रा का, बस ये भैया लास्ट। अब मिलेंगे आपके साथ हम एक और यात्रा के साथ। दोस्तों अभी हम एक और यात्रा के साथ आपको मिलेंगे, पूरी ऑल ओवर इंडिया की चार धाम की जितनी यात्राएं सब अगर जिंदे रहे सब वीडियो दिखाएंगे आपको हिलडोडा में। आप ये यात्रा तो अपने घर की यात्रा है हिलडोडा की, तो यात्रा आपको हम और भी दिखाते रहेंगे। ये देखिए यात्रा अभी जारी है, कितना अच्छा व्यू है, मस्जिद भी आगे, और ये यात्री ये छूट गए हैं। ये अब एंड है, इसके बाद यात्रा खत्म। अभी यहाँ पे देखो यात्रा अलग-अलग हो जाएगी, जितनी भी यात्रा बस ये यहाँ से गादी की अलग हो जाएगी यात्रा, और इसके बाद जो चुलास वाली यात्रा है वो भी अलग हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी, कोई एक 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 इस तरफ से जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये घर दिख रहे हैं ऊपर कुछ,
इस तरफ से सुलास वाली यात्रा जाएगी और जो दूसरी गादी वाली यात्रा है वो इस रास्ते से जाएगी। तो ये हमारे डोंस वाले जो बंदे हैं ये लायदा हो चुके हैं और ढोल वाले बंदे हैं अभी यहाँ से जाएंगे। बस इधर से लोग जो सुलास वाले हैं वो इस साइड से जाएंगे और जो गादी वाले हैं वो इस साइड से जाएंगे। जय माता दे। तो सभी दोस्तों वो यात्रा हमारी पूरी हो गई, तो अब मिलेंगे आपको एक और यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय शेरावाली। तो ये लास्ट टाइम है, तो जय माता दे, जय माता दी। यहाँ पे इन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था रखी है, अभी आखिरी में यात्रा पहुंच जाएगी। और हमारे प्रदीप जी और उनकी मम्मी ने यहाँ पे ये पानी सब यात्रियों के लिए रखा हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य करने का काम किया है इन्होंने। तो ये लास्ट में बस अब यात्रा पहुंचेगी ये समझो मंदिर के पास।